नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे ITI NCVT एग्ज़ाम 2022 से रिगार्डिंग, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, क्या सभी सब्जेक्ट में अलग से पास होना पड़ेगा और ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि अभी की बार सभी को पता है कि CBT एग्ज़ाम हो रहा है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कैसे होगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, कितने क्वेश्चन सही चाहिए और कितने नंबर चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करते हो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको ITI स्टडी कराते हैं, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, अभी डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी हज़ारों बच्चे जुड़े हैं जहाँ पर काफ़ी मेटेरियल उपलब्ध है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं और आपका पहला डाउट क्लियर करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं क्या करता हूँ, आपका जो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ITI प्रैक्टिकल एंड CBT एग्ज़ाम, तो इससे पहले आपका जो फॉर्मेटिव असाइनमेंट यानी सेशन नंबर जो कॉलेज से भेजाते हैं वो 200 नंबर भेज जाते हैं, यहाँ रखना, कॉलेज से आपके 200 नंबर भेज जाएंगे। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल, लगभग 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल लगेगा जो कॉलेज में लगेगा। आगे बात करें CBT एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो 150 नंबर की होगी। अब जो आपकी जो CBT एग्ज़ाम हो रही है ऑनलाइन, इसमें क्या क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आपकी ट्रेड थ्योरी, WC यानी वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस, ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ES यानी एम्प्लॉयी स्किल, ये आपकी चार सब्जेक्टों की ऑनलाइन एग्ज़ाम लगेगी, ठीक है, और सभी CBT एग्ज़ाम लगेगी। आगे चलते हैं, आगे मैं आपके सारे डाउट और क्लियर करूँगा। तो आगे चलते हैं, तो आगे वह आपने देख लिया प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया, तो प्रैक्टिकल क्लियर होगा। अब CBT एग्ज़ाम के बारे में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ट्रेड थ्योरी की एग्ज़ाम लगेगी, सभी को पता है, वर्कशॉप के साइंस की एग्ज़ाम लगेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की एग्ज़ाम लगेगी और एम्प्लॉयी स्किल की। तो अब यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपके ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चन आएंगे, वर्कशॉप में कितने क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने क्वेश्चन आएंगे और एम्प्लॉयी स्किल में कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का पेपर होगा, वर्कशॉप साइंस में कितने नंबर का पेपर होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने नंबर का होगा और एम्प्लॉयी स्किल में। साथ ही आगे यहाँ ये बताया जाएगा कि यहाँ पर आपको कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए ट्रेड थ्योरी में, वर्कशॉप साइंस में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में व एम्प्लॉयी स्किल में। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन टू बी कनेक्ट, यानी यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होंगे तब आप पास हो पाओगे, यानी ट्रेड थ्योरी में कितने हो, तो सारे डाउट आगे के लिए। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहले आपका बात करें मैं, सबसे पहले ट्रेड थ्योरी में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में WC यानी वर्कशॉप कंसाइंस में 6 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन आएंगे, एम्प्लॉयी स्किल में 25 क्वेश्चन आएंगे। इन टोटल का अगर हम टोटलिंग करें तो लगभग 75 क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। आगे बात करें टोटल मार्क्स, तो मार्क्स किस प्रकार के आएगा, तो दोस्तों आपके ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपके जो मार्क्स है, तो मार्क्स देखो किस प्रकार के आए, 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 नंबर के आएंगे, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर आएगा तो उसका दोगुना हो गया। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आ रहे तो कितने नंबर के आ रहे हैं, 12 नंबर के आ रहे हैं। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन आ रहे लेकिन कितने नंबर का आ रहे हैं, 12 नंबर के। यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, कितने नंबर के आ रहे हैं, 50 नंबर के, यानी 75 क्वेश्चन है लेकिन कितने नंबर के हैं, 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा आपका। आगे बात करें कितने पासिंग मार्क के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो वो डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको पासिंग मार्क के लिए लगभग 26 नंबर चाहिए, किसमें, ट्रेड थ्योरी में, ठीक है। पासिंग मार्किंग के लिए 26 नंबर चाहिए, 26 क्वेश्चन लेंगे, अच्छे से देख लेना, यानी पासिंग मार्क के लिए आपको 26 नंबर चाहिए। आगे वर्कशॉप कंसाइंस में आपको 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए, एम्प्लॉयी स्किल में 17 नंबर चाहिए, टोटल आपको 51 नंबर चाहिए, यानी 150 में से जिस बंदे के 51 नंबर आ जाएंगे वो पास हो जाएगा, लेकिन ट्रेड थ्योरी में 26 नंबर आएंगे तो ही पास होगा, ध्यान रखना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 4 नंबर आएगा तो ही पास होगा, वर्कशॉप कंसाइंस में भी 4 नंबर आएगा तो ही पास होगा, और एम्प्लॉयी स्किल भी। अब काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि सर मेरे अगर ट्रेड थ्योरी में ही 51 नंबर आ जाए तो मैं पास हो जाऊँगा क्या, नहीं दोस्तों, इसके लिए आपकी अलग से एग्ज़ाम की प्रोसेसिंग होगी। जिस प्रकार आपने पहले देखा था जो आपकी CBT एग्ज़ाम थी, उसमें भी क्या था, अगर आपकी वहाँ पर WCS व एम्प्लॉयी स्किल की एग्ज़ाम एक साथ होती, अगर इनमें से किसी में नंबर कम थे तो आपके फिर दोनों सब्जेक्टों की एग्ज़ाम एक साथ होती, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पेपर में आपका ड्यू रहेगा
तो उस पेपर का अलग से एग्ज़ाम लगेगा, वो आप एग्ज़ामिनरों के ऊपर छोड़ दो वो किस प्रकार एग्ज़ाम लेंगे वो लेंगे। अब आगे किस कितने क्वेश्चन सही करने वो भी आपके में डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी में 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 में से 13 सही करना ज़रूरी है। पासिंग के लिए कम से कम 13 क्वेश्चन सही चाहिए। वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस में 6 क्वेश्चन है, पासिंग के लिए 2 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 क्वेश्चन आएंगे, पासिंग के लिए 2 क्वेश्चन सही करना ज़रूरी है। इंप्लॉयमेंट सेक्शन में 25 क्वेश्चन, 25 में 9 करना सही है। तो इस प्रकार यह है, मेरे हिसाब से किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। 2 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बच्चा कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग या वर्कशॉप साइंस में एम्प्लॉयमेंट स्किल में 9 क्वेश्चन है और ट्रेड थ्योरी में 13 क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि काफ़ी बच्चों को डाउट था कितने नंबर चाहिए क्या चाहिए। ये दोनों के लिए, ऐसे मत सोचना कि ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए, दोनों की आपकी सीबीटी एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।